नमस्कार। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में आश्रदालु शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाओं को करके मनमुखी बन गए हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना करने से जब ईश्वर से मिलने वाले लाभ नहीं मिल पाते तो लोग धीरे धीरे नास्तिकता की ओर खींचे चले जाते हैं। इसी विषय में संत गरीबदास जी ने भी कहा है, ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बीते सप्ताह कहां कहां संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें प्रभु प्रेमी आत्माओं की मनमानी पूजाओं से होने वाली लाभ तथा हानि के बारे में बताया गया। देखें हमारी ये पूरी कवरेज। संत रामपाल जी महाराज जी का परचम आज देश नहीं विदेश में भी लहरा रहा है। बीते सप्ताह देश के अलग अलग राज्यों हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित विदेशों में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का प्रसारण संपन्न हुआ। सत्संग में भक्त समाज को शास्त्र प्रमाणित सद्भक्ति का भेद बताकर शास्त्र विरुद्ध साधना तथा मनमानी पूजाओं को त्यागने के बारे में बताया गया। जिस प्रकार एक समय सरकार ने 500 रुपए की नकली नोटों को असली नोटों के साथ टीवी व समाचार पत्रों के माध्यम से दिखाकर दोनों की भिन्नताओं को बताया था और जनता को ठगने से बचाया था, ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने आज बड़े बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन के माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्मों के सद्ग्रंथों को खोलकर शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति और शास्त्र विरुद्ध साधना में भिन्नताएं बताई है। सत्संग में आने वाले श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी के सत्संगों के माध्यम से जानकारी हुई कि श्रीमद् भगवद् गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 23 के मुताबिक शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी साधना करने वाले साधक को ना तो कोई सुख प्राप्त होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही उसकी गति अर्थात मोक्ष होता है। सत्संग में आने वाले श्रद्धालुओं ने जाना कि तीर्थ व्रत, उपवास, भूत पूजा, पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, पिंड भरना, त्योहार मनाना, मूर्ति पूजा करना आदि क्रियाओं से साधक को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। सुख तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए तो साधक को पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करनी होगी। यहाँ पे आज हम जामनगर में आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट जामनगर में, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का आयोजन किया गया सत्संग का। तो यहाँ पे उनके एक श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या किस तरह से यहाँ पे सब व्यवस्थाएं की गई और क्या कुछ है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि ये लोग बताते हैं, जो बजरंग दल वाले जो भी हैं, जैसे इनसे सुना गया है कि वो आपके संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात क्या सही है? नहीं सर, मैडम बिल्कुल गलत बात है। परमात्मा की एक वाणी है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। खाली ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से वो प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे एक जोटा होता है, जोटे का मंत्र होता है, उड़ करते हुए बोलता है ब्रह्मा विष्णु महेश को, ब्रह्मा जी विष्णु जी विष्णु जी पूजा करेंगे वो नहीं प्राप्त होगी। उनका वास्तविक मंत्र क्या है और वो उनका देने का अधिकारी कौन है? जो सच्चा सतगुरु वही उनका मंत्र दे सकता है और वो मंत्रों का जाप करेंगे तो परमात्मा ऑटोमेटिक लाभ देंगे जी। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनकी बात ये गलत है, उनका दावा भी गलत है। पहले पुस्तक पढ़ो, ज्ञान समझो, फिर आप विरोध करो या चर्चा करो। धन्यवाद सर। हम अंदर आए हुए हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु सत्संग सुन रहे हैं। हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इधर दिखाइए कि उनके श्रद्धालु सब सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ पे भगत का मतलब जो भी भाई लोग हैं उनका प्रणाम स्थल अलग बनाया गया है और बहन लोगों का प्रणाम स्थल अलग बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में गाँव मलाट मोड़ भारत रिजॉर्ट पैलेस में अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि सत्संग के अंदर की पूरी कवरेज ले ताकि हमारे दर्शकों को ये पता चल सके कि सत्संग किस प्रकार किया जाता है। बहुत ही शांतिपूर्वक सत्संग चल रहा है। प्रोजेक्टर के माध्यम से भक्त भाई अलग से और भक्त बहनें अलग से बैठकर बहुत ही प्रेम पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। ऐसी व्यवस्था देखने को केवल सत्संग में ही दिखती है। सत्संग से बाहर आ जाओ तो लड़ाई, झगड़ा, क्लेश बस यही दिखता है और परम शांति का अनुभव हमें केवल सत्संग के माध्यम से ही मिलता है और यहाँ ही देखने को मिलता है। आज हम वहाँ पहुँचे हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। हम आज आ पहुँचे हैं अग्रसेन भवन में जो जांजगीर में स्थित है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग कार्यक्रम हो रहे थे उनमें काफ़ी दूर दूर से लोग सत्संग सुनने के लिए पहुँचे हुए थे। उन्हीं में से कुछ श्रद्धालु जो सत्संग सुनने के लिए आए हुए थे, आइए उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर आप यहाँ पर क्या करने आए थे? सर यहाँ एक दिवसीय सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का हो रहा है, विशाल सत्संग, उसी के आयोजन में हम लोग आए थे। तो संत रामपाल जी महाराज सत्संग में क्या बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज सत्संग के माध्यम से हमें सत्य भक्ति बताते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी नशे के लत में और काफ़ी सारी बुराइयों कर रहे हैं, तो उनको सही दिशा में कैसे ला सकते हैं? जी सर, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। सर जो हमारी युवा पीढ़ी, चाहे बच्चे हो
नशे से व्याप्त हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनना चाहिए। उनका टीवी में सत्संग आता है उसको सुने और उसको ज्ञान समझकर नाम दीक्षा उपदेश लेकर सतभक्ति मर्यादा में रहकर करते हैं तो वे नशे से दूर रह सकते हैं। वे सर तो सर संत रामपाल जी महाराज के कोई भी श्रद्धालु नशे नहीं करते हैं जी? नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु है नशा तो करना तो दूर रहो, उनको हाथ तक नहीं लगाते हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन से ज्ञान बताते हैं जिससे लोग नशे से और सभी बुराई से दूर हो जाते हैं? संत रामपाल जी महाराज वे ज्ञान बताते हैं, सदभक्ति बताते हैं जिससे लोग नशे से दूर हो रहे हैं और समाज सुधार में योगदान दे रहे हैं सर। आज हम जम्मू कश्मीर के जिला सांबा गांव ध्यानी में आए हुए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे आए हैं, उनसे विचार जानते हैं कि उनका यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य है। मैम यहाँ पे जो सत्संग का कार्यक्रम रखा है इसका क्या कारण है? ये जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है जहाँ पे सत भक्ति प्रदान की जाती है। हमें मानव जीवन में किसकी भक्ति करनी चाहिए सत ग्रंथों के अनुसार हमारे परमात्मा हमें बताते हैं। सर हमने सुना है कि जो भी भविष्यवक्ता भविष्यवाणियां करते हैं सभी सही साबित होती हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भी किसी ने भविष्यवाणी की है? जी हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अनेकों भविष्यवाणियां हैं जिनमें से संत गरीबदास जी महाराज जी जो कि गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले हैं, उन्होंने भी अपनी वाणी में लिखा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आसी सूती धरनी सोम जगासी, कि वो सतगुरु जो दिल्ली मंडल में आएंगे वो सभी भक्तों सभी लोगों को भक्ति का ज्ञान देकर जगाएंगे। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज भी उस समय जब ये वाणी बोली गई तो ये जिला सोनीपत हरियाणा मंडल दिल्ली मंडल में आता था जी। जो भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, काफ़ी सारा प्रचार हो रहा है। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं वो काफ़ी सारी प्रचार उनका कर रहे हैं, घर घर जाके पुस्तकें दे रहे हैं, इसके बारे में क्या विचार है आपका? संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है ये ज्ञान में इतनी सच्चाई है कि लोग इसे समझ रहे हैं, समझने के बाद ही वो प्रचार कर रहे हैं, उनको सुख मिल रहा है भक्ति करने से। तो वो चाहते हैं कि जो हम सुखी हो रहे हैं तो हम सभी को ये बताएं कि सारी दुनिया इस वक्त बहुत दुखी है जी, कोई घर का क्लेश है, कोई दहेज में दुखी हो रहा है, पिताजी अपने बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करते हैं तो किसी को देखा देखी इतना पैसा दे देते हैं दहेज में, वो ताकि कारण यही है कि हमारी लड़की को वहाँ दुखी ना किया जाए। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक सिंपल तरीके से शादी करवाते हैं, रमैणी जिसको बोलते हैं, वो रमैणी करवाते हैं, उससे जो ससुराल वाले होते हैं वो अपनी जो पुत्र वधु है उसको बेटी समझ के अपने गुरु जी के ज्ञान के आधार से उसको बेटी समझ के अपने घर में रखते हैं और वो बेटी भी उनको अपने माता पिता समझ के ही उनकी सेवा भी करती है। तो गुरु जी का ज्ञान है जी, इस ज्ञान से सभी को समझना चाहिए और पुस्तक जीने की राह हमारे गुरु जी की वो पढ़नी चाहिए। दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से विचार जाने हैं। इन्होंने ये बताया कि संत रामपाल जी के जो भी मुख्य उद्देश्य हैं वो दहेज प्रथा को खत्म करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, ये जो हमारी बहुत ही बुरी कृतियां हैं उनको खत्म करने का ये जो संत रामपाल जी महाराज जी योगदान दे रहे हैं तो काफी अच्छा इनके जो भी श्रद्धालु आए हैं इन्होंने अच्छा से बताया हमें। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं बैंगलोर से हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं MNC में लिंग्विस्ट हूँ। अच्छा, तो जैसे मीडिया के कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे आज विज्ञान का युग है और इस विज्ञान के युग में मनुष्य ने रोबोट बना लिया है और वह मंगल ग्रह और चांद तक चला गया है, तो इसमें क्या है, विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और दूसरी तरफ आप हैं इस आध्यात्मिकता में फंसे हुए हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, आप कुछ समझाना चाहेंगे? जी मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगी, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन उनकी एक कही हुई बात है कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, वेयर द साइंस एंड्स फेथ स्टार्ट्स। और एक बार आप ही के जैसे उनके कोई मित्र थे जिनका ये मानना था कि अगर हम पढ़ लिख लिए, हम शिक्षित हैं तो हमें अध्यात्म की आवश्यकता नहीं है, तो वे उनके साथ उनके घर गए तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में सोलार सिस्टम का बहुत सुंदर मॉडल था, तो उन्होंने कहा कि देखिए कितना सुंदर मॉडल है ये आपका,
तो आइंस्टाइन बोले कि देखिए, और वो हवा में अपने आप तैर रहा था, सारे ग्रह उसमें तैर रहे थे उस मॉडल में। तो आइंस्टाइन बोले कि ये इतना अद्भुत है तो इसको बनाने वाला कितना अद्भुत होगा। तो सर ये अध्यात्म है, अध्यात्म एक साइंस है, विज्ञान है। अध्यात्म और साइंस अलग नहीं है, ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसे स्पिरिचुअल साइंस कहा जा सकता है। साइंस स्पिरिचुअल साइंस इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये तथ्यों पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। अभी आपने कहा कि हम चांद पर मंगल ग्रह पर पहुँच गए हैं, तो कभी आपने सोचा कि ये ग्रहों को बनाने वाला कौन है? और ये ग्रह अपने आप से अपने ही नियत दूरी पे, नियत समय पे घूमते रहते हैं, आपस में टकराते क्यों नहीं है? पृथ्वी है, अपनी ही दूरी पे लगातार घूमती रहती है, उसको कभी कोई ऑयलिंग नहीं देता है, उसकी कभी कोई सर्विसिंग नहीं होती, कभी उसको कोई धुलाई नहीं करता है, कोई वॉशिंग नहीं होती है। तो वो सुप्रीम इंजीनियर कौन है, वो सुप्रीम साइंटिस्ट कौन है जिसने इन सबको बनाया? अभी आप ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे। वो इंसान, आप जितने भी इंसान तरक्की कर ले, बस उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं बना पाया। आप ट्रांसप्लांटेशन की बात कर सकते हैं, क्लोनिंग की बात कर सकते हैं, पर ओरिजिनलिटी या ओरिजिनल आप नहीं बना सकते हैं। तो जब अध्यात्म की बात आती है तो हम सब उस सुप्रीम टीचर को गॉड कहते हैं, क्योंकि जिसे हम नहीं जानते हैं, जिसकी अपरंपार होता है, उसे हम गॉड कहते हैं। तो वो सभी धर्मों में एक ही है, पर वो कौन है? तो उसी की खोज में हम सबको तलाश है, और उसके लिए हमें एक अध्यात्म टीचर की ज़रूरत पड़ती है। अध्यात्म टीचर इस आज के युग में पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल जी महाराज हैं। आप आइए, जानिए, उनके ज्ञान को समझिए। दिस इज़ ऑथेंटिक प्रूवन स्पिरिचुअल नॉलेज। आज ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंच चुकी है राजस्थान की राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज लोगों को नशा मुक्त भारत की ओर अग्रसर कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है जी, बताइए। संत रामपाल जी महाराज भारत को विश्व गुरु बनाने की कोशिश में रहे, और हमारे जितने भी जीव आत्मा हैं, इनका जो भी हमारी कुबुद्धियाँ हैं, जैसे नशाखोरी है, दहेज प्रथा है, और रिश्वतखोरी है, और आदि कुरीतियों को मिटाकर सतभक्ति दिखा बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज समाज में से भ्रष्टाचार और कुरीतियों को दूर करके नशामुक्त भारत बना रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या उद्देश्य है, इसका थोड़ा विस्तार से बताइए जी। समाज सर में संत रामपाल जी महाराज का यह उद्देश्य है कि वो हमको आध्यात्मिक ज्ञान से, अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से हमको सच्चा इंसान और सत्ता भगत बना रहे हैं, और पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति बता रहे हैं। आज हमारी टीम पहुंची है जयपुर के पदमपुरा गांव में, जहां पर संत रामपाल जी का सत्संग प्रोग्राम हो रहा है। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी के अनुयायियों के विचार। तो हमें बताइए, संत रामपाल जी का समाज सुधार में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। एक तो दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है इनके अनुयायियों के द्वारा, दूसरा नुक्ता प्रथा खत्म हो रही है, तीसरा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जा रहा है, जिससे आदमी अपने आप में स्वतंत्र चलता है और किसी तरह की बेईमानी पैदा नहीं करता है। रिश्वतखोरी इनके अनुयायी जितने भी, वो सब बंद कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति जो भी इनका अनुयायी है, वो उसका रिश्वत में बिल्कुल मन ही नहीं होता है, बस उसको पराया धन मानता है और किसी पराई चीज़ को देखता नहीं है। और तो हमें बताइए, जैसा आपने बताया कि आप ही गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो जैसा आपने बताया संत रामपाल जी के अनुयायी किसी तरह की रिश्वत नहीं लेता, तो आज वर्तमान में देखें तो प्रशासन और सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो क्या संत जी के अनुयायी जो प्रशासन में है, क्या वो रिश्वत नहीं लेते? देखिए, सरकार से भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है, जबकि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनका ज्ञान इतना प्रगाढ़ और इतना घनिष्ठ, इतना प्रबल है कि उससे आदमी के स्वतः ही प्रेरणा होती है कि वो मैं किसी की रिश्वत नहीं लूँ, और उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है, जिससे वह अपने आप किसी का नेगेटिव काम नहीं करके वो पॉजिटिव काम करता है, जनता का मतलब खुले में काम करता है और कोई रिश्वत की मांग नहीं करता उससे। आज जो ऐसे नीच की जो टीम है वो झारखंड के हजारीबाग जिले में आई है। आमतौर पर लोग संडे के दिन अपना समय व्यतीत करने के लिए सिनेमा घर या मॉल या पार्क या रेस्टोरेंट वगैरह जाया करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही चीज़ देखने को मिला है। यहाँ पे लोग संत रामपाल जी महाराज का सत्संग में आए हैं, सत्संग सुनने के लिए, वो भी संडे के दिन। तो हम लोग अंदर प्रवेश करके चलिए पंडाल में और जानते हैं उनके अनुयायियों से कि वो सत्संग में क्यों आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है। सत्संग सुनने से बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे बहुत सारी विकार
जो मन में उत्पन्न होते हैं उससे वो सत्संग सुने समाप्त होता है, और सिनेमा देखने से उसका अपोजिट होता है, जैसे आक्रोश आएगा। सिनेमा में दिखाया ही क्या जाता है, सिनेमा में यही दिखाया जाता है कि कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, या बहन बेटी को वहाँ पर गलत तरीके से दिखाया जाता है, तो उससे समाज का उत्थान ही पतन ही होता है। और सत्संग सुनने से हमें ये बुद्धि आती है कि ये चीज़ नहीं करना है और हमें करना क्या है, तो सारी बुराइयों का नाश होता है सत्संग के द्वारा ही। जी, संत रामपाल जी महाराज का समाज के प्रति क्या उद्देश्य है, वो अभी तक कितनी बुराइयों को ख़त्म कर चुके हैं? संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य एक पूर्ण संत की पहचान अगर करना चाहो तो उनके ज्ञान से होती है। जैसे अगर उनके ज्ञान में ये बताया जाता है कि दहेज का खात्मा, शराब मुक्त भारत, रिश्वतखोरी को दूर करना, चोरी जारी ठगी को दूर करना, और एक पूर्ण संत की पहचान होती है कि वो अपने ज्ञान से एक स्वच्छ समाज का निर्माण करे, जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। 21वीं सदी के मध्य इस घोर कलयुग में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन समाज को स्वच्छ और शिष्ट बनाने का कार्य कर रहे हैं। अतः आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल पर उनके सत्संग प्रवचनों को देख और सुन सकते हैं। आज की पेशकश में बस इतना ही। धन्यवाद।